वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता बाला और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एस बाला ट्यूटोरियल्स पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूं एक बहुत ही गुड न्यूज अबाउट द सीएसआर नेट। सो गाइस, फाइनली यूजीसी एनटीए ने जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट के लिए फॉर्म्स जो है रिलीज कर दी है फॉर द जून 2022। सो आज के इस वीडियो में मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। सो स्टे विथ मी एंड चलिए देखते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप जो भी मेरे अपकमिंग वीडियोज हैं उनके अपडेट्स पाते रहें। ओके, सो चलिए देखते हैं कि एनटीए ने क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे एनटीए की साइट को ओपन कर ली है। ओके, एंड यहाँ पे जो है आप नीचे आओगे स्क्रॉल करके तो देखिएगा यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको दे रखा है रजिस्ट्रेशन फॉर जॉइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट 2022। आप यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स देखिए खुल रहा है, इसको ओके करती हूँ मैं एंड हम एक नए पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए दो सेक्शंस दे रखा है। पहला है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, यानी ऑलरेडी जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म में रजिस्टर कर रखा है वो यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल करके साइन इन कर सकते हैं। बट दो वन न्यू जो कि अभी नए हैं वो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको देखो ये कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन खुल जाएगा कि यहाँ पे फॉर्म को किस तरह से फिल करना है इसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखा है इन्होंने। तो फॉर्म को यहाँ पे इन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन, सेकेंड आएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म एंड थर्ड आएगा फी पेमेंट। ओके, सो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ओके, एंड जब आप अच्छे से पढ़ लो तभी फॉर्म भरना शुरू करना है। तो यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन फी की अगर हम बात कर लें तो जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज़ है एंड ओबीसी के लिए यहाँ पे 500 है, जबकि एससी एसटी थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पे 250 रुपीज़ है एंड पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 0 रुपीज़ है फी चार्जेस। ओके, यहाँ पे आपको जीएसटी जो है वो अलग से जो भी आपको लगेगी वो कैंडिडेट्स को पे करना होगा। ओके, तो यहाँ पे जो फॉर्म सबमिट हो रहा है वो सारा कुछ ऑनलाइन होगा। ओके, सो सारे कैंडिडेट्स को ऑनलाइन फॉर्म ही फिल करने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लिंक दे रखा है उन लोगों ने कि आप इस साइट पे इस लिंक पे जाइए और न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आपने देखा था अभी पेज खुला, वहाँ पे आप पहुँचोगे और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करोगे। ओके, तो यहाँ पे जो फी पेमेंट करना है आप वो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ये किसी भी मीडियम से, इन चारों मीडियम में से कोई भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, देन आपका है एप्लीकेशन प्रोसीजर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है अपना फॉर्म का, अपना यहाँ पे आपको नाम डालना है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा और साथ ही यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड भी क्रिएट करना है। ओके, यहाँ पे इसके लिए कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनके आंसर भी आपको सबमिट करने होंगे। इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप उन सिक्योरिटी क्वेश्चंस का आंसर दे करके रीजनरेट कर सकते हैं अपना पासवर्ड। ओके, तो चलिए यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने पर्सनल डिटेल्स को डालोगे जिससे कि आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। आपको इस एप्लीकेशन नंबर को बहुत ही संभाल के रखना है, इन केस अगर आप एक बार में ही पूरा फॉर्म फिल नहीं करें तो ये एप्लीकेशन नंबर आपको फिर से इस फॉर्म को एक्सेस करने में, जो कि अभी आपने आधा फिल किया उसको एक्सेस करने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए ये था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में है द कैंडिडेट कैन लॉग इन विद द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर एंड प्री क्रिएटेड पासवर्ड फॉर कम्प्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग फिलिप अप द पर्सनल डिटेल्स, अप्लाइंग फॉर द पेपर्स, प्रोवाइडिंग द डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अपलोडिंग देयर इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल देना है, यहाँ पे आप
को किस पेपर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपलोड करना है आपका अपना फोटो एंड सिग्नेचर, एंड कोई और डॉक्यूमेंट्स भी अगर यहाँ रिक्वायर्ड होगा तो उसको भी अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको फोटो जो अपलोड करना है उसका यहाँ पे दे दिया गया है कि कैसा होना चाहिए। सो अपलोड स्कैन इमेजेस ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ सिग्नेचर कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, रिजल्ट अवेटिंग सर्टिफिकेट। तो इसमें से कोई भी अगर आपको डालने हैं डॉक्यूमेंट्स तो आप सबको स्कैन कर लो। ओके, यहाँ पे जो फोटोग्राफ होगा शुड बी कलर या ब्लैक एंड व्हाइट होगा बट इन क्लियर कॉन्ट्रास्ट। ओके, एंड जो स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर होगा वो जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। ठीक है, स्कैन फॉर्मेट की साइज होगी 10 KB से लेके 200 KB तक। सिग्नेचर जो है वो 4 से 30 KB तक होने चाहिए, एंड जो स्कैन कॉपीज होंगी सर्टिफिकेट्स की वो 10 KB से 300 KB के बीच में होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे देखिए एक चीज और मेंशन कर दिया है कि कैंडिडेट हैज टू अपलोड ओनली हिज और हर फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट। ओके, उन्हें कैंडिडेट केवल अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, अपना सिग्नेचर फोटोग्राफ और जो सर्टिफिकेट है वो अपना अपलोड कर सकते हैं। अगर इन द केस वो किसी भी तरह की गलती करते हैं तो उन्हें फ्यूचर में किसी तरह का करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, एज अ फैसिलिटी फॉर द करेक्शन विल नॉट बी गिवन इन द फ्यूचर। ओके, सो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी आप अपलोड कर रहे हो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी मिस्टेक ना हो। ओके, नेक्स्ट है पे एग्जामिनेशन फी बाय द नेट बैंकिंग। अगर आप अपना सारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने फिलअप कर लिया है, देन आप आते हैं थर्ड स्टेप में जहाँ पे कि आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के जरिए आपको अपना जो है एग्जामिनेशन फीस जमा करना होगा अंडर अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। आप किस कैटेगरी में लाइक कर रहे हो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड कैसा होना चाहिए इसके लिए स्टेप्स दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, और आप अगर बाई इन केस आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो किस तरह से यहाँ पे आप अपना पासवर्ड रिसेट कर पाओगे इसके लिए भी उन्होंने प्रोसीजर बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ ज्वाइंट सीसनेट। इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे चेकबॉक्स में, यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड का ऑप्शन आ जाता है, एंड यहाँ पे आपका सारा कुछ खुल जाएगा। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स है, प्रेजेंट एड्रेस है एंड परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीजें, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, ये सारे जो है आपका पेज खुल जाएगा फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ये आपका सबसे पहला प्रोसेस है जो कि शुरू हो जाएगा। एंड बात में करती हूँ यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की। तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अगर लेना चाह रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन के लिए, आप इसी इन्फॉर्मेशन के अंदर आप जाओगे वापस से तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे कि आप जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पे आपका देखिए एक एक्सेसिबल बुलेटिन खुल जाएगा। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे जैसे ही आपका ये इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर ले सकते हैं, और फॉर्म भरने के पहले बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप, मैं बात कर लेती हूँ डेट्स के बारे में थोड़ा कि डेट क्या है। ओके, तो देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द एनटीए वेबसाइट, तो इसका डेट है 7 जुलाई टू 10 अगस्त अप टू 5 PM। ओके, आप शाम के 5 बजे तक, 10 अगस्त की शाम 5 बजे तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन के लिए समय है 10 अगस्त 2022 रात के 11:50 तक। ओके, एंड यहाँ पे फीस फिर से अगेन यहाँ इन्होंने मेंशन कर दिया है। ओके, सर्विस चार्जेस जो आप लगेंगे वो इसके ऊपर एक्स्ट्रा होंगे। ओके, एंड यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इन्होंने मेंशन किया है, तो इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या क्या है देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले है कि ऑनलाइन फॉर्म जो आपने फिल किया अगर उसमें किसी तरह का जैसे नेम या एड्रेस इन सभी चीज़ों में अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो गया है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए करेक्शन विंडो ओपन होगा 12 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में। ओके, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर फोटोग्राफ एंड
जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनका करेक्शन यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, ये करेक्शन विंडो केवल आपके नाम और जो भी फॉर्म में सेक्शंस थे फिल करने के लिए उनमें कहीं कुछ गलती हुआ है, नेम, एड्रेस या क्वालिफिकेशन डिटेल के लिए, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो, बट किसी तरह की अपलोडिंग नहीं कर पाओगे आप यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड बाय द कैंडिडेट। तो इसके लिए अभी डेट अनाउंस नहीं किया गया, ये बाद में ये वेबसाइट के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। कंप्यूटर सीबीटी मोड में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा, टाइम होगा 180 मिनट्स यानी 3 घंटे। अभी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं ये सोच रहे हैं कि एग्जामिनेशन कब होगा, डेट क्या है एग्जामिनेशन डेट, तो फिलहाल एनटीए ने एग्जामिनेशन डेट को रिलीज नहीं किया है, उन्होंने अभी केवल फॉर्म जो है रिलीज की है। एग्जामिनेशन डेट के लिए वो उस समय बाद एनटीए की वेबसाइट पे अनाउंस कर देंगे, ठीक है। टाइमिंग भी वो अभी अनाउंस करेंगे, जब उन डेट को अनाउंस करेंगे तभी उन्होंने टाइमिंग अनाउंस कर देंगे, ठीक है। सेंटर, डेट एंड शिफ्ट आपकी क्या होगी, ये सारा कुछ आपको एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा। ओके, एंड डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर कीज, ये सारी चीज़ें जो है आपको एग्जामिनेशन के बाद वेबसाइट पे इंफॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एनटीए की वेबसाइट अगेन उन्होंने मेंशन कर दी है, तो आप इन दोनों में से किसी भी वेबसाइट पे जा करके एनटीए की फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ओके, रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं, जो भी आपको और भी अगर कहीं कोई डाउट है तो आप देख सकते हैं। फॉर्म यहाँ पे आपका सारा डिटेल में बता दिया गया है कि जो फोटोग्राफ्स है वो कैसे होने चाहिए, ठीक है। जो भी अपलोडिंग्स करनी है उनका जो क्या है क्राइटेरिया वो बता दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे एज एंड एक चीज़ और यहाँ पे है कि जो डेट है एज का वो ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एलिजिबिलिटी के लिए जो है उन्होंने डेट काउंटिंग के लिए इस साइकिल का जो डेट है उन्होंने रखा है एक, आई थिंक 1-7 जुलाई है। यहाँ पे देखिए इन्होंने कुछ कोविड रिलेटेड भी एडवाइजरी जारी की है, तो जिसमें आप यहाँ पे एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग लानी है, ठीक है, जिसमें कि जो कि आप एनटीए के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे और उसको आपको डेली फिल करना है। इसके साथ आप एक ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन ले जा सकते हैं। एडिशनल फोटोग्राफ जैसा कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया था सेम वैसा ही आपको लाना है अटेंडेंस शीट पे पेस्ट करने के लिए, ठीक है। एक एनी ऑथराइज फोटो आईडी लेके आनी है आपको। ओके, इसमें से आप कुछ भी ला सकते हैं, कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड, फोटोग्राफ, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी एक लेके आ सकते हैं। पीडब्ल्यूबीडी जो सर्टिफिकेट है वो जो इस कैटेगरी में भर रहे हैं उनको सर्टिफिकेट लेके आना होगा। एक पर्सनल हैंड सैनिटाइजर आपको लेके आना है, एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना है, एंड जो शुगर पेशेंट है, डायबिटीज पेशेंट जो है वो अपने साथ शुगर टैबलेट्स या फ्रूट्स ले जा सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए तो आगे देख लेते हैं। एक हम लोग यहाँ पे नेशनल एनटीए का जो है इंट्रोडक्शन दिया है, हम आगे बढ़ते हैं और हमारे काम की चीज को थोड़ा देखते हैं, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने दिया है एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री, या फिर इंटीग्रेटेड बीएसएमएस हो या बीएस 4 ईयर का हो, तो यहाँ पे बीएस 4 ईयर का होना चाहिए, 3 ईयर्स वाले नहीं है एलिजिबल है। ओके, बीई या बीटेक है, बी फार्मा कर रखा है, एमबीबीएस किया है, ये सारे लोग एलिजिबल हैं विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए, ये विदाउट राउंडिंग ऑफ, ठीक है। यानी अगर आपके मार्क्स 54.95 है तो आप उसको 55 नहीं कंसिडर कर सकते हो। ओके, सो वो 55 एग्जैक्ट आपके होने चाहिए, ठीक है। फॉर द जनरल एंड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीएस कैटेगरी, ओके, एंड 50% होने चाहिए फॉर द SC ST थर्ड जेंडर एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी इन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ओके, वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने एमएससी के लिए एनरोल कर लिया है, ठीक है, या फिर जिन्होंने 10+2+3 ईयर्स का क्वालिफाइंग एग्जाम, जिन इनमें से जो भी एग्जाम से उन्हें क्वालिफाई किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, एंड वो रिजल्ट अवेटिंग कैटेगरी के अंदर यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे उन्हें जब सीएसआर नेट का जो रिजल्ट आएगा उसके 2 साल के अंदर अपना जो है
रिजल्ट सबमिट करना होगा, ठीक है, अदरवाइज दे आर डिस्क्वालिफाइड। ओके, ओके, एक चीज और है, वैसे कैंडिडेट्स जो कि बैचलर डिग्री ले रखे हैं, ठीक है, और उन्होंने अगर अप्लाई किया है CSINET के लिए, तो दे आर एलिजिबल फॉर द JRF ओनली, वे लेक्चररशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, वहाँ पे वो एलिजिबल नहीं हो पाएंगे फॉर द लेक्चररशिप, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, दोज हु आर अप्लाइंग एज अ बैचलर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अपर एज लिमिट की, तो JRF के लिए इस बार जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो है 28 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2021, यानी पिछले साल जिन लोगों ने जुलाई में 28 ईयर्स के थे वो भी अभी इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है, और ये साइकिल जो है ये इस करेंट एग्जामिनेशन के लिए मान्य होगा, ठीक है। तो चूंकि लास्ट ईयर एक ही एग्जाम कंडक्ट हुआ था, वो भी लेट से हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पे जो कैंडिडेट्स अपना लास्ट चांस अटेम्प्ट करते लास्ट ईयर, उनके लिए ये थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है, कि वो इस साल फॉर्म भर सकते हैं। ओके, यहाँ पे इन केस ऑफ SC ST थर्ड जेंडर PWD एंड फीमेल के लिए 5 ईयर्स और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिली है, यानी वो 33 ईयर्स के हैं अगर, तो भी इस साल फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर के जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, यानी वो 31 ईयर के अगर हैं ऑन द डेट 1 जुलाई 2021, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड ये अपर एज लिमिट जो है वो केवल JRF के लिए लागू होती है, लेक्चररशिप के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। ओके, सो जो 34 ईयर्स के भी हैं तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं, बट दे आर ओनली एलिजिबल फॉर द लेक्चररशिप, ओके, या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखिए आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन एंड एग्जामिनेशन डिटेल्स यहाँ पे दे दिए गए हैं, आपका क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा सब सब्जेक्ट का, आपको यहाँ पे अलग अलग मेंशन कर दिया गया है, जैसे कि लाइफ साइंस में आप देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 145 रहते हैं, टोटल जो क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं वो होते हैं 75, एंड टोटल जो मार्क्स होता है वो होता है 200, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे इसके नीचे आप जाइएगा तो आपको सब्जेक्ट वाइज जो है सिलेबस भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिलेबस के लिए आपको साइड दे दिया है, सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द MCQ पेपर मे बी सीन एट द CSIR HRD वेबसाइट, आप यहाँ पे भी जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, That's all about for the CSIR NET. I hope कि यहाँ से आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल गए होंगे, तो आप अब जब भी फॉर्म फिल करने जाओ तो मेरा ये आपको एडवाइस होगा कि जो भी अपलोड करने हैं लाइक सिग्नेचर, फोटोग्राफ या डॉक्यूमेंट्स, ये सारा आप पहले से जो है उसको प्रिपेयर कर लो, ठीक है, ताकि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो उस टाइम किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो आपको। ओके, सो गाइज, That's all for the today's session. आज के इस वीडियो के लिए इतना ही. Okay? Thanks for watching my video. Thank you guys. Thank you. अगर आपको और भी किसी तरह की क्वेरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं. ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, लाइफ साइंस ट्यूटोरियल्स. ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो. That is Aswala Tutorials. Thank you and bye-bye.